हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होगे और अपनी स्टडी को भी अच्छे से कंटिन्यू कर रहे होगे। मैं आपसे एक क्वेश्चन करने वाली हूँ, क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि जब आप किसी चीज़ को पढ़ रहे हो ऑनलाइन क्लासेस में या फिर स्कूल क्लासेस में टीचर ने आपको समझाया, आप उस टाइम पे उसको पढ़ रहे हो और आपको सब कुछ समझ में आ गया है ना? आप ऑनलाइन क्लास, मान लो आपने ऑनलाइन क्लास की अटेंड की और इस टाइम पे आपने इतना फोकस्ड होकर के समझा कि सब कुछ आपको समझ में आ गया, टीचर पढ़ा रही है, क्वेश्चंस करा रही है, आपको क्लियर हो रहा है। कुछ नहीं क्लियर है तो आप कमेंट कर देते हो और वो कमेंट्स आपके टीचर्स लेके आपके डाउट को सॉल्व कर देती है। बट फिर क्या, जब कुछ ही दिनों के बाद आप उस चैप्टर को फिर से उठा के पढ़ते हो, आपने उस चैप्टर को पढ़ा, रिवाइज नहीं किया, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, आप उसको फिर से पढ़ने बैठते हो, क्या ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें आपकी मिसिंग हो जाती है? जिस टाइम पे आपने पढ़ा था उस टाइम पे आपको सब कुछ आ रहा था, कुछ दिनों के बाद आपने उसको उठाया, कुछ कुछ चीज़ें, मैं ये नहीं कह रही सारी चीज़ें आप भूल जाओगे, कुछ कुछ चीज़ें तो आपको आएंगी, बट ऐसा होता है जनरली कि कुछ कुछ चीज़ें आप भूल जाते हो। तो उसका सलूशन क्या है, आप कैसे इसको भूलने को कम कर सकते हो? इसका सलूशन यही है बेटा कि आप नोट्स बनाओ। आप स्कूल में जब पढ़ते हो तो आपकी टीचर्स आपको नोट्स बनवाती है ना, तो आप भी क्या करो, जब अपनी ऑनलाइन क्लास कर रहे हो तो अपने साथ पेन, पेपर, कॉपी, जो भी लेके बैठना हो ना लेके बैठो, ठीक है? कॉपी, पेन एक आपके पास ज़रूर होनी चाहिए, आपके पास एक नोटबुक होनी चाहिए। और आप इसमें अपनी नोट्स को कैसे बनाओगे ये भी मैं आपको बताती हूँ कि कैसे ऑनलाइन क्लास देखते हुए आप नोट्स बना लो। मान लो आप लाइव क्लास देख रहे हो, आप अपने डाउट्स भी सॉल्व कर रहे हो, तो आप नोट्स कैसे बना सकते हो? पॉसिबल ही नहीं है। आप वीडियो को पॉज कर दोगे तब तो लाइव क्लास आगे बढ़ जाएगी। तो लाइव क्लास देखते हुए आप अपना टाइम कैसे सेव कर सकते हो और कैसे अपनी नोट्स बना सकते हो, जैसे कि आपको जब बाद में उठा करके पढ़ो तो इतनी बड़ी बड़ी बुक आपको नहीं पढ़नी पड़े, है ना? ऐसा होता है कि बुक में तो बहुत लंबी लंबी थ्योरीज लिखी होती है, बुक में बहुत एक्सप्लेनेशन होता है, तो आप चाहते हो कि हम बार बार बुक को ना पढ़ें, हमारे पास एक प्रॉपर नोट्स हो जिसमें से हमने देखा और हमको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई। तो इसका सलूशन क्या है गाइस, खुद की एक नोट्स बनाओ, है ना? आप अपनी लैंग्वेज में एक नोट्स बनाओ जो आपको समझ में आ रही है। कैसे बनाओगे मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से आप फॉलो कर सकते हो, अपनी नोट्स आप कैसे बना सकते हो। तो सबसे पहला पॉइंट, जब आप क्या करो ऑनलाइन क्लासेस अटेम्प्ट कर रहे हो तो आप कीवर्ड्स को नोट करते जाओ, जो टीचर आपको कीवर्ड्स बता रही है उन कीवर्ड्स को आप नोट करते चलो, है ना? वो कीवर्ड्स जो आपको टीचर कभी कभी बीच बीच में होता है ना कि कुछ डेफिनेशंस होती हैं, उसमें टीचर आपको बताते हैं कि ये पॉइंट जो है ये इस डेफिनेशन का एकदम मेन पॉइंट है, इसका कीवर्ड है, इसको आप मिस मत करना। तो उस कीवर्ड को ज़रूर से याद रखा करो, वो आपकी डेफिनेशन पूरी बना देगी, पूरी कंप्लीट कर देगी, ठीक है? नेक्स्ट, जब टीचर आपको क्वेश्चंस करा रही हैं तो उन सारे क्वेश्चंस पे भी ज़रूर से ध्यान दो। क्वेश्चंस में क्या होते हैं ना बेटा, आपको जो क्वेश्चंस करवाए गए हैं आप उस क्वेश्चन को अपनी कॉपी में एटलीस्ट उस टाइम पे लिख लो, जैसे कि जब आप रिविज़न करो तो वो क्वेश्चन आपके माइंड में आए और कैसे सॉल्व हुआ था वो क्वेश्चन, टीचर ने उसको कैसे सॉल्व किया था, सब कुछ आपको एक बार में समझ में आ जाएगा। नहीं आता है तो उसका भी सोल्यूशन है बेटा, आपके पास उसका भी सोल्यूशन आ जाएगा, मैं अभी बताऊंगी आगे। बट क्वेश्चंस को ज़रूर लिखा करो, पॉसिबल हो तो हल्का फुल्का आप शॉर्ट टर्म्स में उसके सोल्यूशन को भी क्वेश्चन के साथ लिख लो, अगर पॉसिबल है तो, ठीक है? वैसे इतना टाइम आपको मिल जाता है ऑनलाइन क्लासेस में भी, मैं आपकी डेली क्लास लेती हूँ तो मैं आपको इतना टाइम तो देती हूँ कि आप क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर सको और सोल्यूशन आप लोग खुद इतनी जल्दी दे देते हो तो आपके पास काफ़ी टाइम होता है ना? तो आप क्वेश्चंस को लिखो, उसका सोल्यूशन पूरा लेंथी वे में नहीं तो एटलीस्ट शॉर्ट वे में लिख लो, उसका आंसर क्या आ रहा है, कौन से फॉर्मूले उसमें यूज़ हो रहे हैं, इस टाइप के आप इसमें लिख सकते हो। देन लास्ट थिंग ये है कि आपको जो उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिल रहे हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट वो जो आप भूल जाते हो, जो आपके लिए ज़रूरी है, जैसे कि आप पढ़ रहे हो आपको पता होगा ना कि हाँ ये पॉइंट ऐसा है जो मैं हमेशा भूल जाता हूँ या फिर ये चीज़ हमें को नए मिली। कीवर्ड्स तो सबके लिए सेम होगा, वो तो सारे बच्चे नोट करेंगे ही करेंगे, बट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में आप वो नोट करोगे जो आपको ज़रूरत है, जिसके बिगैर आप इस क्वेश्चन को अगर चैप्टर को पढ़ोगे तो आपको इनकम्प्लीट सा लगेगा। तो अपनी लैंग्वेज में अपनी नोट्स खुद बनाना सीखो, ठीक है? जितना अच्छा आपको अपनी लैंग्वेज में पढ़ करके समझ में आएगा ना, वो किसी बुक में या फिर किसी दूसरे की नोट में या फिर किसी के PDF में आपको वो चीज़ नहीं मिल पाएगा, ठीक है? तो कीवर्ड्स नोट करो, क्वेश्चन साथ ही साथ लिखो, क्वेश्चन के फॉर्मूले कि इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज़ हो रहा है, इसका आंसर क्या है, इतना तक लिख लो, देन बाद में आप उसको सॉल्व करना। साथ ही साथ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी आप ज़रूर से लिखा करो, और इसके बाद भी अगर आपके डाउट्स बचते हैं ना गाइस तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारा अनअकैडमी का लर्निंग ऐप है जिसके आस्क का डाउट 24/7 ये हमेशा ओपन है। आप कभी भी कोई भी डाउट पूछोगे आपको वीडियो सॉल्यूशंस के थ्रू डाउट के सारे सॉल्यूशंस आपके मिल जाएंगे, है ना? तो आपको करना क्या होता है, बस अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पे आप जाओगे, अनलिमिटेड डाउट्स आप यहाँ पे पूछ सकते हो। बस सिंपल से ये करो, आस्क का डाउट वाले सेशन में जाके अपने डाउट्स की पिक्चर क्लिक कर लो,
उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को क्रॉप कर लेना जो आपको पूछना है, अपने कॉपी में लिखा हुआ है, कॉपी वाले पिक्चर को क्लिक करो, उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को क्रॉप कर लो जो आपको पूछना है, देन उसके बाद सब्जेक्ट का नेम बता के सेंड कर दो। आप सेंड करोगे उधर तुरंत ही वीडियो सॉल्यूशंस आ जाते हैं, तो ये आपके डाउट्स आए तुरंत ही आपके डाउट भी सॉल्व हो गए। बट अगर नोट्स आपके पास नहीं है तो आपको ये सारी चीज़ें ना वहाँ से नहीं मिल पाएगी। आपके पास एक नोट्स भी होना चाहिए जिससे कि आपका पूरे चैप्टर का रिकॉल हो सके। तो गाइस रिकॉल भी ज़रूरी है, आप अपना नोट्स बनाना सीखो। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जब आप ऑनलाइन क्लास कर रहे हो तो एक कॉपी एक पेन अपने पास ज़रूर लेकर के बैठा करो, ठीक है। तो अनअकैडमी के आज का डाउट पे आप अनलिमिटेड डाउट पूछ सकते हो जितनी मर्जी चाहे, और इसके लिए आपसे कोई भी कॉस्ट नहीं लगता, इट इज़ कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। साथ ही साथ आप अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पे क्या कर सकते हो, आपने क्या प्रिपेयर किया, आपने वीक में जो भी पढ़ा, जिसमें कन्फ्यूजन है, आपको कहीं पे भी कन्फ्यूजन है, तो आप उसका टेस्ट दे सकते हो। अनअकैडमी का कॉम्बैट स्कॉलरशिप टेस्ट है जिससे कि आपको और मोटिवेशन मिलती है कि यस अगर मैं इसमें जीत गया तो मुझे 1 करोड़ तक के प्राइजेस मिलेंगे। नेक्स्ट कॉम्बैट कब होने वाला है आपका, आपका तो 1 अगस्त को एक कॉम्बैट हो गया, नेक्स्ट होगा आपका 8 अगस्त को, ठीक है। तो यहाँ पे आप कॉम्बैट फ्री में दे सकते हो, आप अपनी जो भी पढ़ रहे हो उसको एक डायरेक्शन दे सकते हो कि यस वीक में अभी कॉम्बैट होने वाला है, मेरे को अपनी मैथ्स और साइंस एकदम अच्छे से प्रिपेयर करके रखनी है, कॉम्बैट में मुझे तो विनर बनना ही बनना है। तो ये सब चीज़ें आपके लिए है, आप अपनी नॉलेज चेक करो कितना अच्छा आपको आ रहा है, ये सब चेक करो। जहाँ पे डाउट है, जहाँ पे कन्फ्यूजन है, आप आस्कर डाउट में पूछो, अदरवाइज आप अपने टीचर से पूछो, ठीक है। नोट्स आपके पास रहेगी तो सब कुछ हो सकता है, बस आपने नोट्स ही अपनी नहीं बनाई तो आप कैसे कर पाओगे। साथ ही साथ अनअकैडमी पे आपको मिल जाते हैं प्लस के सब्सक्रिप्शन, जहाँ पे आपको इंडिया के बेस्ट एजुकेटर मिलके पढ़ा रहे हैं। इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस होती है गाइस, आप बहुत ही अच्छे इंटरेक्शंस के साथ पढ़ सकते हो। साथ ही साथ आपको रेज अ हैंड फीचर के थ्रू आपके जो भी डाउट्स हैं आप अपना हैंड रेज करोगे, टीचर आपको कॉल पे लेगा, आपके सारे डाउट सॉल्व हो जाते हैं। और यहाँ पे आपको क्लास का PDF भी मिल जाता है, ठीक है। यहाँ पे आपको क्लास का PDF नोट्स भी मिल जाता है, PDF नोट्स आप इसको डाउनलोड कर लो, देन आपने जो शॉर्ट नोट बनाई है ना उसमें भी जो पॉइंट्स आपको PDF से मिल जा रहे हैं आप वो पॉइंट ऐड कर लो। तो थोड़ा सा आपको वर्क करना पड़ेगा, एक बार अगर आपने वर्क कर लिया ना तो आपको बार बार फिर चीज़ें भूलेंगी नहीं। जब भी आपको इंटीजर चैप्टर पढ़ना हुआ आप इंटीजर के उस पेज पे आ जाओ, एक पेज दो पेज तीन पेज में आपका पूरा इंटीजर कंप्लीट रहेगा, आप उसको देखोगे आपके सारे पॉइंट्स कंप्लीट, आपने कर लिया इजिली रिकॉल, ठीक है। तो अनअकैडमी का लर्निंग ऐप भी अपने पास रखो, नोट्स तो बनाओ ही बनाओ, साथ ही साथ अनअकैडमी का लर्निंग ऐप भी अपने पास रखो। मैं आपको प्लस सब्सक्रिप्शन की प्राइसिंग बता देती हूँ, बहुत ही ईजिली अफोर्डेबल है, आप इसको अफोर्ड कर सकते हो। 1 ईयर का कॉस्ट है 15,000 तक, जब आपने कोई कोड नहीं लगाया। अगर आप कोड यूज़ कर लेते हो SPJJLIVE देन यू विल गेट 10% का डिस्काउंट, और आपको जो 1 ईयर का है वो पड़ जाता है 13,500 का, ठीक है। तो SPJJLIVE कोड की हेल्प से आप ले सकते हो 10% का डिस्काउंट, और 1 ईयर का कॉस्ट हो जाएगा आपका 13,500 का। देन आपको मैं बताती हूँ यहाँ पे बहुत सारे हमारे पास बैचेस हैं, आपको जिस टीचर का समझ में आए, जिस बैच में अच्छा समझ में आए, आप उस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। आपके लिए ऐसा नहीं है कि आपने इस बैच को ज्वाइन किया तो दूसरा बैच नहीं देख पाओगे। अगर आप एक बार प्लस पे आ गए यहाँ पे तो आप सारे बैचेस देख सकते हो, ठीक है। इतने अच्छे अच्छे बैचेस यहाँ पे चल रहे हैं, मास्टर बैच है, ब्रिलियंट बैच, एलाइट बैच, बहुत सारे हमारे पास बैच है। और एक एकदम धमाकेदार और क्या चीज़ है, ये है आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन। अनअकैडमी पे आपको मिलते हैं आइकॉनिक के सब्सक्रिप्शन भी, जिसको आप परचेज कर सकते हो। जैसे कि मैंने अभी आपको प्लस का सारा कुछ बताया, तो प्लस की सारी बेनिफिट आपको यहाँ पे मिल रही है, आइकॉनिक में भी प्लस की सारी बेनिफिट मिलेगी। आप इसमें एक्स्ट्रा क्या जीत सकते हो, आपको इसमें एक्स्ट्रा क्या मिलता है अगर आपने आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन लिया, व्हाट यू गेट एक्स्ट्रा, आपको एक्स्ट्रा यहाँ पे मिलेंगे पर्सनल मेंटर, लाइव डाउट सॉल्यूशन, ये सब कुछ आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा देखने को मिल जाता है ना। तो आइकॉनिक के सब्सक्रिप्शन में आपको प्लस की सारी बेनिफिट, साथ ही साथ आपको पर्सनल मेंटर मिलते हैं, लाइव आपके डाउट सॉल्यूशन कराए जाते हैं, और आपके पेरेंट्स के साथ भी कनेक्ट किया जाता है। और साथ ही साथ आपके स्टडी प्लानर, आपको अगर कहीं पे भी कंफ्यूजन हो रही है कि मैं ये अच्छे से नहीं पढ़ पा रहा हूँ, किस टाइम पे मैं क्या पढ़ूँ, तो स्टडी प्लानर आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। और कल ही मैं आपको एक वीडियो देने वाली हूँ जिसमें कि मैं आपका टाइम टेबल वगैरह भी सब बताऊँगी कि कैसे आप अपना टाइम टेबल बनाओ कि आप अपनी स्टडी को बेस्ट कर पाओ। तो कल का भी वीडियो आप ज़रूर से देख लेना, ठीक है। ये है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की प्राइसिंग, ये है रियल वाली, और ये है जब आपको डिस्काउंट चाहिए 10% के डिस्काउंट के बाद वाली। डिस्काउंट कैसे मिलेगा, बाय यूजिंग द कोड SPJJLIVE, ठीक है। तो इस कोड का आप यूज़ करोगे देन यू विल गेट 10% का डिस्काउंट। देन ये है मेरे पूरे स्पेशल क्लास का शेड्यूल, अगर आपको ये स्पेशल क्लास अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पे देखनी है तो आप मेरा ये शेड्यूल नोट कर लो। टाइमिंग वगैरह सेम है, 7:30 पे ही डेली मेरी स्पेशल क्लास होगी, ठीक है।
8 अगस्त 10 अगस्त जब जब यहाँ पे डेट लिखी है आप इसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट इसका लेके रखो। और जो भी डाउट्स हैं आप यहाँ पे भी हमसे क्या कर सकते हो ना, इमेज के थ्रू पिक्चर क्लिक करके आप भेजोगे और वो सारे डाउट्स आपके यहाँ पे भी क्लियर हो जाते हैं। तो स्पेशल क्लास प्लस क्लास में यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, पिक्चर के थ्रू आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो, है ना। प्लस में तो आप रेज द हैंड के थ्रू भी पूछ सकते हो। और ये रहा मेरी यूट्यूब की क्लास का शेड्यूल जो कि कम्प्लीटली फ्री होता है। स्पेशल क्लास भी बेटा याद रखना, स्पेशल क्लास भी कम्प्लीटली फ्री है। अन अकेडमी के लर्निंग ऐप की स्पेशल क्लास कम्प्लीटली फ्री है, इसके लिए कोई चार्ज आपसे नहीं लिया जाता, इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। ये यूट्यूब की क्लासेस, इसमें मैं कराने वाली हूँ आपको अगस्त के मंथ में वन शॉट रिविजन। आपको जिस टॉपिक में दिक्कत हो इस मतलब की क्लास को ज़रूर से देखना। अगर आपको किसी भी चैप्टर में दिक्कत है आप इस क्लास को देख लोगे तो आपको एक दिन में पूरा चैप्टर में करवा देने वाली हूँ कम्प्लीट विथ एक्सरसाइज, ठीक है। फ्रैक्शंस पढ़ेंगे, फ्रैक्शन के बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, वन शॉट रिवीजन है, तो एक घंटे में आपका सारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। टाइमिंग है 5 PM, 5 PM की क्लास को आप जरूर से ज्वाइन करना। द नेक्स्ट अन अकेडमी के लर्निंग ऐप पे आप अपना टेस्ट दे सकते हो, टेस्ट देके अपनी प्रैक्टिस को चेक कर सकते हो कि पूरे इंडिया के टॉप मोस्ट बच्चों में आप किस पोजिशन पे आ रहे हो, आपकी रैंकिंग क्या हो रही है, ठीक है। तो ये सारा कुछ है यहाँ पे होता रहता है। अन अकेडमी का लर्निंग ऐप अपने पास जरूर रखना अगर आपको अपनी प्रिपरेशन अच्छी रखनी है तो। और आपको यहाँ पे बहुत सारे अच्छे अच्छे ऑफर्स भी मिलते रहते हैं डिस्काउंट के साथ साथ। और ये है हमारा न्यू चैनल क्लास अपार्ट, जिसमें कि क्लास 6 से लेके क्लास 10 तक की क्लासेस चलती हैं, आप इसमें भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, नए नए आपको यहाँ पे वीडियोस मिलते रहेंगे। तो थैंक यू सो मच गाइज। अगर अनअकैडमी का लर्निंग ऐप आपके पास नहीं है तो ऐप जल्दी से इंस्टॉल कर लो। नोट्स कैसे बनाओगे अपना वो मैंने आपको बता दिया। सबसे पहला बात है कीवर्ड, देन उसके बाद क्वेश्चंस, देन उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ये सारा कुछ आप जरूर से करते रहना, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आया हुआ तो वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मिल जाए। ओके, थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय, लेट्स क्रैक इट।